जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी। ये लीजिए माँ जी प्रसाद। जब से तू इस घर में बहू बनकर आई है तब से घर में कितना सुख शांति का माहौल है। कहाँ पहले मेरे घर में हफ्ते में एक बार मैया की पूजा होती थी और कहाँ हर रोज मैया की पूजा के दर्शन होते। अब बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो तुझ जैसी मुझे बहू मिली। भगवान करे मेरी छोटी बहू भी बिल्कुल तेरी ही परछाई की तरह हो। प्रीति एक गरीब घर की बेटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जयंती प्रीति को अपने घर की बड़ी बहू बनाती है। शादी के बाद प्रीति एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है, घर की सारी जिम्मेदारी को भी भली भांति संभालती है। प्रीति को देख जयंती हमेशा से ही भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उसकी छोटी बहू भी बिल्कुल उसकी बड़ी बहू की तरह ही निकले। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। समय गुजरता है और मोना नाम की अमीर लड़की जयंती की छोटी बहू बनकर इस बड़े से ससुराल में आ जाती है। मोना, अब तो तुम्हारी शादी को महीना भर होने को आ गया है, तो क्यों ना अब हम घर के कामों को आपस में बांट लेते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि मैं आपकी तरह किसी गरीब परिवार से नहीं बल्कि एक अमीर परिवार से हूँ। हमारे घर में तो चम्मच उठाने के लिए भी एक अलग से नौकर है। तो आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ घर के काम करवाऊंगी। ये नौकरों वाले काम करना आप जैसे गरीबों को ही शोभा देते हैं, मुझ जैसी अमीर को नहीं। अपनी अमीरी के चलते मोना काफी ज्यादा घमंडी होती है। शादी के बाद भी मोना घर की किसी जिम्मेदारी को भी नहीं संभालती थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। वो खेती के लिए धान खत्म हो गया था, तो क्या तुम थोड़े मुझे पैसे दे दोगे? भैया, मैंने आपको अपना एटीएम कार्ड दे तो रखा है और पिन भी आपको पता है। आपको बार बार मुझसे पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप आराम से एटीएम से पैसे निकाल लीजिए। घर का बड़ा बेटा होकर भी जो मैं न कर सका वो तूने छोटा होकर भी कर लिया। कभी कभी तो तुझसे पैसे मांगते हुए बड़ी शर्म सी महसूस होती है। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। भले ही मैं कंपनी संभालता हूँ, लेकिन आप तो साल के 12 महीने धूप बारिश ठंड में खेती करते हैं। चलिए अब ज्यादा मत सोचिए, मुझे मीटिंग के लिए निकलना था, मैं जा रहा हूँ और आप पैसे निकाल लीजिएगा। आदर्श बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दिया था। वहीं मोहित पढ़ लिख कर अपने खानदान के बिजनेस को अच्छे से संभाल रहा था। घर का छोटा बेटा होने के बावजूद भी मोहित अपने भैया भाभी के खर्चे उठाता था, जो मोना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहीं एक दिन ये दोनों पति पत्नी मिलकर मेरे पति को ही ना बेच आए, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मोना अब अपनी जेठानी और सास के बीच में मनमुटाव पैदा करना शुरू कर देती है। प्रीति जो भी काम करती मोना उसे बिगाड़ दिया करती, जिसका सीधा इल्जाम प्रीति पर आता है। यहाँ तक कि अब मोना अपनी सास को हमेशा अपने साथ शॉपिंग, घुमाने, मूवी ऐसी जगह पर ले जाती, जिसके चलते अब धीरे धीरे जयंती के लिए उसकी छोटी बहू ही सब कुछ बनती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन, अब देखती हूँ कि कैसे माँ जी मेरी गरीब जेठानी को घर से नहीं निकालती। मोना बाहर से नॉनवेज मंगाकर उसकी हड्डियों को मंदिर घर के बाहर फेंक देती है। जयंती जैसे ही मंदिर घर के बाहर हड्डियों को पड़ा देखती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। प्रीति बहू, ये सब क्या है, तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। माँ जी, मुझे नहीं पता कि हड्डियां यहाँ कहाँ से आई। भाभी, आप कहना क्या चाहती हो, कोई आया और ये हड्डी छोड़ गया। यही हाल होता है माँ जी जब आप किसी को अपने सर पर बिठा लेते हो। तो मैं तो कह रही हूँ घर का बंटवारा करके इन्हें अलग ही कर दो, वरना ये तो ऐसे ही घर में अपशगुन करती रहेंगी। ये तुम क्या कह रही हो मोना। माँ जी, भगवान के लिए आप ऐसा मत करिएगा। चुप कर। मेरी गलती थी कि तुझ गरीब को मैंने अपने घर की बहू बनाया और इतना प्यार दिया, अब तो घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। मोना अपनी चालाकी से घर के बंटवारे में सारे पैसे, महंगी चीज, यहाँ तक कि पूरा घर भी अपने हिस्से में करवा लेती है। वहीं बेचारी प्रीति और आदर्श को बंटवारे में घर के पीछे बनी एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है, जिसे देख मोना मन ही मन काफी खुश हो रही होती है। प्रीति और आदर्श उस झोपड़ी में अपना गुजारा करने लगते हैं। समय गुजरता है और नवरात्रि के दिन शुरू हो जाते हैं। सुनिए जी, कल से नवरात्रि शुरू है। हर साल हम कितने धूमधाम से नवरात्रि बनाते थे, लेकिन इस साल क्या करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा प्रीति, क्या होगा। जिस जमीन पर मैं खेती करता था वो भी बंटवारे में माँ ने हमसे छीन ली। अब तो बस जहाँ मजदूरी का काम मिल जाता है वहीं काम करके 2-4 पैसे कमा लेता हूँ। भले ही हमारे पास नवरात्रि को धूमधाम से बनाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति तो है। मैं इस साल भी जरूर नवरात्रि के व्रत रखूंगी। प्रीति चिकनी मिट्टी से छोटी सी दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती है और उसे अपनी गरीब झोपड़ी में एक जगह स्थापित कर जंगल से थोड़े बेर फूल लेकर माता के चरणों में चढ़ाकर उनकी पूजा कर नवरात्रि का व्रत रखती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अरे ये क्या मोना बहू, आज तो नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके और तू है कि यहाँ बैठकर खाना खा रही है।
तुझे क्या नवरात्रि का व्रत नहीं रखना? माँ जी, ये फास्ट वास्ट रखना मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं होगा कि मैं पूरा दिन भूखी रहूं। सो प्लीज आप मुझसे ये मत बोलिए, अगर आपको नवरात्रि के व्रत रखने का इतना ही शौक है तो आप खुद रख लीजिए। मोना नवरात्रि के व्रत रखने से साफ इनकार कर देती है, जिसके चलते अब जयंती को इस साल अकेले ही नवरात्रि के व्रत रखने पड़ते हैं। घर पर बहू होने के बावजूद भी जयंती ही दुर्गा माता की पूजा करती है, उनके व्रत का प्रसाद बनाती है। दुर्गा मैया, मुझे माफ करना, इस बार मैं आपके लिए प्रसाद नहीं बना पा रही हूँ। प्रसाद के रूप में मैं पूजा में बस ये मिश्री के दाने ही रख सकती हूँ। जहाँ पैसे ना होने के बावजूद भी प्रीति दुर्गा मैया की भक्ति करने में और उनके नवरात्रि के व्रत रखने में कोई कमी नहीं छोड़ती, वहीं मोना को तो इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तैसे नवरात्रि के दिन गुजरते हैं और अब 2 दिन बाद नवमी की पूजा होती है। 2 दिन बाद घर में कन्या पूजन है, लेकिन कन्या को खिलाने के लिए घर में जरा भी राशन नहीं है और ना ही पूजा का कोई सामान है। व्रत तो मैंने पानी पीकर रख लिए, लेकिन अब कन्या को खाली पेट थोड़ी ना भेज सकते हैं। जानता हूँ प्रीति, कोशिश में लगा हूँ कि कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए, तुम बस दुर्गा मैया से प्रार्थना करना। प्रीति जानती थी कि आदर्श चाहकर भी इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता, इसलिए प्रीति अब आसपास के घरों में साफ सफाई का काम करती है, जिससे उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। वहीं आदर्श भी मेहनत मजदूरी कर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लेता है और अब दोनों पति पत्नी उन पैसों से कन्या पूजन के लिए सारा सामान ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ, मोना बहू, तूने नवरात्रि के व्रत तो रखे नहीं, लेकिन कम से कम चल मेरे साथ, कन्या पूजन तो करेगी ना? ठीक है माँ जी, कर लूंगी, आप भी क्या याद रखोगी। मोना का जवाब सुन जयंती को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। ऐसे ही रात गुजरती और आज कन्या पूजन का दिन होता है। प्रीति सुबह सुबह उठकर नहा धोकर अपनी फटी पुरानी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और माँ दुर्गा की आरती कर कन्याओं के लिए कन्या भोजन बनाने लगती है। आलू की सब्जी भी तैयार हो गई, छोले भी बन गए, खीर भी लगभग तैयार है, बस पूरियां तलने की देर है। सुनिए, मैं जल्दी से पूरियां तल लेती हूँ, आप जाकर कन्याओं को बुलाकर ले आइए। अरे मोना बहू, तू अभी तक तैयार ही हो रही है, तूने अभी तक कन्या पूजन के लिए भोजन नहीं बनाया, कब बनाएगी भोजन, जब कन्या पूजन को वक्त निकल जाएगा? माँ जी आप क्यों टेंशन ले रही है, मैंने पहले से ही बाहर से कन्याओं के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, मोमोज, सब कुछ है। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा, तू कन्या पूजन में ये सब खिलाएगी कन्याओं को? अरे माँ जी, कब तक हम पुराने तरीकों से कन्या पूजन करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज तो लाना होगा ना। मोनिका का जवाब सुन बेचारी जयंती का तो सर ही चकरा जाता है। जयंती थोड़ी देर में कन्या को बुलाकर घर में ले आती है। वहीं रुक जाओ, ज्यादा घर के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वहां चटाई बिछा दी, उसी पर बैठ जाओ। मोना घर की दहलीज के पास ही सारी कन्या को बिठा देती है। अरे मोना बहू, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा सारी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले। क्या कहा आपने, मैं इन लड़कियों के पैर छूंगी? छी, मैं तो इन्हें हाथ तक ना लगाऊं। इतना कहकर मोना बाहर से मंगाया हुआ सारा खाना उन कन्याओं में बांट देती है। सबको सब कुछ मिल गया ना, तो चलो अब सब निकलो जल्दी से। कन्याओं का ऐसा अपमान देख जयंती को मोना पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श सभी कन्याओं को घर ले आता है। कन्याओं के घर आते ही प्रीति एक एक कर सभी कन्याओं के पैर धोकर उनको तिलक लगाकर उनके हाथों में धागा बांधती है, साथ ही उन सभी को प्यार से हलवा पूरी परोसती और सबकी प्लेटों में 11-11 रुपए रख देती है। ये कन्या, हमें अपना आशीर्वाद दो और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। प्रीति और आदर्श एक एक करके सभी कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। प्रीति की सच्ची भक्ति और श्रद्धा की वजह से माँ दुर्गा उनसे काफी प्रसन्न होती हैं। और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आदर्श की एक अच्छी जगह नौकरी लग जाती है और धीरे धीरे उनके हालात भी ठीक होने लगते हैं। वहीं मोना की गलत हरकतों की वजह से मोहित को बिजनेस में काफी बड़ा लॉस होता है, जिसे देख जयंती समझ जाती है कि ये सब मोना के नवरात्रों को अपमान करने का नतीजा है। तेरी वजह से मैंने अपनी देवी जैसी बहू को घर से निकाल दिया, घर का बंटवारा कर दिया, उन्हें इतनी तकलीफ में देखकर भी मैंने उनको नजरअंदाज कर दिया, दुर्गा मैया ने उसी का ही फल दिया है हमें। जयंती अब बिना देरी करे अपनी बड़ी बहू और बेटे को घर ले आती है। वहीं जयंती के सख्त रवैये से अब धीरे धीरे मोना भी लाइन पर आने लगती है और अब हर साल पूरा परिवार साथ मिलकर नवरात्रि बनाता है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हर साल नवरात्रि कैसे मनाते हैं हमें ये भी बताइए। क्या आप हमारी गरीब बहू की तरह ही दुर्गा माँ की मूर्ति अपने हाथों से सजाते हैं?